का ये ग्वाला प्रथम पूजा का अधिकारी, इसकी तो पूजा होनी ही नहीं चाहिए। इसके न संस्कार है, न कोई आचरण है, न कोई शुद्धि है, न जाने कितनी गालियां दी भगवान को। अर्जुन तो उठकर गांडीव लेकर भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि उठ बैठ जा। भगवान ने कहा इसकी इसकी 100 गाली पूरी हो जाए, 10-20-30-40-50-80-90-100 होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के मुखमंडल में चली गई। जब देखा युधिष्ठिर ने कह दिया अरे राम राम, इसको तो रौरव नरक मिलना चाहिए था जिसने भगवान को गाली दी, परंतु इसे भगवान का पद प्राप्त हो गया, भगवान ने इसे मुक्ति दे दी, क्यों? तो नारद जी ने बताया कि इसने भगवान के साथ एक संबंध बनाया, भगवान को इसने अपना शत्रु मान लिया। किसी भी प्रकार से जीव का भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो उसका कल्याण होता है। गोप्यः कामात्, गोपांगनाओं ने काम भाव से, कौन काम? कृष्ण दिदृक्षा, भगवान को देखने की इच्छा को ही काम कहते हैं। तो गोपांगनाओं ने काम भाव से भगवान की उपासना करी, भगवान को पति स्वीकार किया, भगवान के दर्शन के लिए बहाने लेकर आती रही, भगवान के दर्शन की इच्छा से बारंबार ऐसे अनेक प्रयत्न किए। और भयात कंसो, कंस आदि सबने भय के मारे भगवान के साथ शत्रु द्वेष भाव रखा, भगवान को शत्रु बनाया। द्वेषा चैत्या दयो नृपाः, अनेक राजाओं ने भगवान को द्वेष, भगवान से द्वेष भाव रखा। संबंधात वृष्णयः, और भगवान के जो ये यदुवंश के लोग इत्यादि हैं, सबने भगवान को अपने संबंधी स्वीकार किया। स्नेहाद यूयम, आप सबने स्नेह से भगवान की उपासना करी पांडवों ने। और भक्त्या वयम विभोः, हमने भगवान को अपना भगवान को भगवान माना, स्वयं भक्ति के माध्यम से स्वयं भक्त बनकर उनकी उपासना करी। तो हमारा किसी भी किसी प्रकार से भगवान से संबंध है, इसलिए इसका भी कल्याण हो गया। इसने भी भगवान को द्वेष भाव से इस भगवान से संबंध बनाया। जगत के संबंधी देंगे, बहुत कुछ देंगे तो क्या दे देंगे, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10 करोड़ दे देंगे, और देंगे नहीं ले भी लेंगे। देते उन देना नहीं जानते, लेना जानते। पर भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो औरों की बात ही क्या, भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। तो कह दिया कि भगवान से संबंध बने, भगवान हमारे नित्य संबंधी, नित्य सिद्ध संबंधी है, वो नित्य के संबंधी है हमारे। इस शरीर में भी भगवान हमारे साथ हैं, शरीर रूपी वृक्ष पर भी हमारे आत्मा के साथ भगवान परमात्मा हैं। और संबंधी सब साथ छोड़ देते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर को कोई अधिक देर तक घर में नहीं रखता, परंतु खूब अधिक प्रेम करने वाला होगा तो अधिक से अधिक चिता तक आपके साथ जाएगा। लेकिन भगवान जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ ही रहते हैं, उनका साथ कभी नहीं छूटता, उनका साथ नहीं छूटता। तो महाराज